ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में रुख कर लेते हैं देवरिया की ओर। देवरिया जनपद रामपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर कवरेज करने गए ग्रामीण पत्रकारों को ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक उनके सहयोगी बने पत्रकारों के साथ भद्दता करते हुए मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। दर्जनों की संख्या में पत्रकार देवरिया पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय जहां आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़े रहे पत्रकार। आपको बता दें कि पत्रकारों का कहना था कि सोमवार को हम श्यामपुर में जमीनी विवाद को लेकर कुछ विवाद था, उसको कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। तब तक सामने प्राथमिक विद्यालय पर नजर पड़ी तो वहां की कमियों को हमने उजागर करना चाहा, लेकिन ग्राम प्रधान अल्ताफ आलम एवं प्राथमिक पाठशाला श्यामपुर छोटा टोला के प्रधानाध्यापक आरिफ ने अपने सहयोगियों से हमें घेराबंदी करा लिया और हमें मारने पीटने लगे। साथ ही हमारा माइक आईटी भी तोड़ दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वामित्र ने बताया कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन पर बाध्य होंगे। आपके पास आए हैं पत्रकारों की पीड़ा लेकर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार रामपुर कारखाना थाने के अंतर्गत एक श्यामपुर ग्राम सभा है, जिसमें पत्रकार कवरेज करने के लिए गए थे। जबकि वहाँ जाने के बाद उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उस गांव के प्रधान दोनों ने मिलकर पत्रकार साथियों का माइक ले लिए हैं, मोबाइल छीन लिए हैं और उनके साथ मारपीट की है। यह गलत, कोई भी पत्रकार समाज का आईना होता है और जो भी कवरेज करने के लिए जाता है उसको कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर उनको यह लग रहा है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनके संपादक हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनको सूचित करें कि ये पत्रकार गलत कार्य कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। न कि न पुलिस विभाग को कोई सूचना दिए, न संपादक को सूचना दिए, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, यह निंदनीय है। इसी मामले को लेकर हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है कि ऐसे जो निंदनीय कार्य हुआ है उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य किया जाएगा। प्राइमरी विद्यालय को मदरसे के रूप में जमीन कब्जा भी किया गया। मदरसे पत्रकारों की पीड़ा के लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी पत्रकारों के ऊपर वहाँ प्राणघाती हमला हुए हैं, जिन्हें बंधक बनाकर बेरहमी से मारा पीटा गया है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अगर उन्हें न्याय मिलता नहीं है तो फिर हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर काबिज रहेंगे और उन्हें तत्काल जितना जल्द हो सके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी उन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके और कार्रवाई करें।